अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं ईओबीआई क्या बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को और उन बेनिफिट्स की एलिजिबिलिटी और एलियत क्राइटेरिया जो है वो क्या है, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ओल्ड एज बेनिफिट से, ओल्ड एज पेंशन जो कि एक स्टैंडर्ड बेनिफिट है अंडर स्कीम ऑफ ईओबी लॉ। तो इसमें बेसिकली दो क्राइटेरियाज़ को डिफ़ाइन किया गया है। नंबर वन, इस बेनिफिट के लिए आपकी एज जो है वो 60 साल इन केस ऑफ मेल पर्सन और 55 साल इन केस ऑफ फीमेल पर्सन होनी चाहिए। और इस उम्र को या इस एज को जब आप पहुँचें तो उस वक़्त आपके पास 15 साल इंश्योरेबल पेड एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी आपने एटलीस्ट कम से कम 15 साल जो है ईओबीआई का कंट्रीब्यूशन पे किया हो, चाहे वो एक ही मुलाजमत में हो या एक से ज़्यादा मुलाजमत में आपने पे किया हो। उसके बाद इसी के अंदर एक और कैटेगरी हम देखते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा आजकल डिस्प्यूट भी चल रहा है। ईओबी मोस्टली इग्नोर करता है इस बेनिफिट को, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट कन्वे की जाए और उसकी रीज़न भी मैं मेंशन कर दूंगा कि ये क्लॉज क्यों एग्जिस्ट कर रही है और शायद ईओबीआई केसेस को क्यों नहीं इसके अंदर इंटरटेन करते इस क्लॉज के तहत, वो भी मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। एक और कैटेगरी इसके अंदर, जहाँ मैंने आपको 15 साल सर्विस की बताई, तो उसके बाद एक और कैटेगरी है वो बनती है 7 साल सर्विस हो लेकिन उस वक़्त आपने जब मुलाजमत शुरू की, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इन केस ऑफ मेल पर्सन उम्र 40 साल या 40 साल से ज़्यादा हो या ज़्यादा थी। और नंबर टू फीमेल की सूरत में बनता है कि एज जो है वो 35 साल या 35 साल से ज़्यादा थी, तो ज्वाइनिंग के वक़्त फर्स्ट टाइम जब इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की, तो इन दोनों सूरतों में मेल 40 प्लस और फीमेल 35 प्लस पे, ये इन एजेस पे ज्वाइन किया तो आपके पास 7 इयर्स इंश्योरेबल पेड एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है, देन आप फिर एलिजिबल हैं ईओबीआई पेंशन के। पेंशन मिलेगी वही मेल की सूरत में 60 साल में और फीमेल की सूरत में 55 साल में। इसमें एक और थर्ड कैटेगरी है, इन केस आप की फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट मेल की स्टार्ट ही 45 या 45 से प्लस पे हो रही है, यानी 45 ईयर ऑफ एज, और फीमेल की 40 या 40 ईयर प्लस से फर्स्ट इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो रही है, तो उस वक़्त 5 साल का पेड एम्प्लॉयमेंट पीरियड चाहिए आपको ओल्ड एज पेंशन के लिए। अभी इसके ऊपर हुआ क्या था कि 2008 के फाइनेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट की गई और उसके तहत ये जो 7 ईयर और 5 ईयर वाली क्लॉजेस थी इनको ओमिट किया गया, वो इस तरीके से कि उसमें एक लाइन ऐड कर दी गई जिसका मैं पढ़ देता हूँ उसको, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एन एम्प्लॉई इंश्योर्ड अंडर दिस एक्ट ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2008, यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि 2008 यकम जुलाई को जो लोग इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में हैं या उसके बाद जो आएंगे उन पे ये 5 साल और 7 साल वाली कैटेगरी अप्लाई नहीं करेगी, यानी फिर एक ही कैटेगरी रह जाएगी 15 साल वाली। तो उसमें हम देखते हैं कि इस अमेंडमेंट को, फाइनेंस एक्ट 2008 वाली अमेंडमेंट को लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, मुख्तलिफ़ किस्म के फैसले आए और दोनों केसेस जो हैं उसमें फ्री कैन अपील में गए और ये दोनों मामलात सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के मुकदमात को अपील में मुश्तरका ज्वाइंट हेयरिंग दी गई, इकट्ठा सुना गया और एक
मुश्तरका फैसला उस पर सादर फरमाया गया और उस फैसले के तहत फाइनेंस एक्ट 2008 के तहत की गई ईओबीआई के अंदर जो अमेंडमेंट्स थी उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये कहा गया कि ईओबीआई जो है उसमें अमेंडमेंट्स ये गवर्नमेंट के टैक्स से रिलेटेड मामलात नहीं बनते, और भी काफ़ी वजूहत थी। अभी चूँकि हमने बेनिफिट्स पे कंसंट्रेट करना है और मेरी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस एग्जिस्ट भी कर रही हैं कि ये चैलेंज क्या है ईओबीआई की प्रैक्टिसेस में, लॉ में, लिटिगेशन में, कहाँ पे जो उलझे हुए मामलात हैं। तो अभी इसको शॉर्ट करते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जी नवंबर 2016 में, जिसमें उसने डिक्लेयर कर दिया कि 2008 वाली अमेंडमेंट जो हैं वो अगेंस्ट लॉ हैं, नल हैं, वाइड हैं, इलीगल हैं। तो जब ये इलीगल डिक्लेयर होती हैं तो ये जो एडिशनल लाइन ऐड की गई थी कि 2008 को जो लोग इंश्योर्ड हैं और जो बाद में इंश्योर्ड होंगे उन पे 5 और 7 साल वाली कैटेगरी अप्लाई नहीं करेगी, तो ये अब ये लाइन चूँकि ख़त्म हो गई तो लिहाजा ये 5 और 7 साल वाली क्लॉज एग्जिस्ट करती है। ईओबी को केसेस ट्रीट करने चाहिए, इंटरटेन करने चाहिए। अभी हम इसी ओल्ड एज पेंशन के अंदर एक और इसकी सब हेडिंग निकलती है, वो है रिड्यूस्ड ओल्ड एज पेंशन। हम देखते हैं कई कंपनीज़ में लाइक माइंस में और जहाँ पे कुछ चैलेंज ऐसा हो कि जी कोई ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट हो रही हो, या जो भी रीजंस हैं कंपनीज़ ने जहाँ रिटायरमेंट एज लेस देन 60 ईयर और फीमेल की सूरत में लेस देन 55 ईयर डिटरमिन की हुई है, तय शुदा है और एम्प्लॉइज़ को रिटायर कर दिया जाता है, तो उस सूरत में ईओबीआई के लॉ के अंदर बताया गया कि वो लोग अपनी रिटायरमेंट के बाद कैसे बेनिफिट लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी इदारे में 55 ईयर एज रिटायरमेंट की है या 58 ईयर है तो उसके साथ पेंशन की कैलकुलेशन में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसकी जो पेंशन कैलकुलेट होगी वो ये लॉ कहता है 1.5% ऑफ द ओल्ड एज पेंशन फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ बाय विच द एज फॉल शॉर्ट ऑफ 60 ईयर्स, वो उसके अंदर से 1.5% जो है वो डिडक्ट किया जाएगा अगेंस्ट ईच मंथ जो उसका शॉर्ट हो रहा है उस मुलाजमत से। 60 साल जो नॉर्मल एज है फॉर मेल और फॉर फीमेल 55, तो हर मंथ का 0.5% काट लिया जाएगा। जो इसको मैं समझा वो ये है, फॉर एग्जांपल 100 रुपया पेंशन है और किसी की 2 साल जो है वो प्रायर रिटायरमेंट हो गई है यानी 58 पे, तो 1 साल में उसका 12 माह होते हैं तो 0.5% से बना 6% और 2 साल में 12%, 24 माह का 0.5 हुआ 12, तो उसका फॉर एग्जांपल 100 रुपया पेंशन बननी थी तो उसकी पेंशन बनेगी 88 रुपीज़, और यही पेंशन उसकी कंटिन्यू रहेगी फॉर एवर अनलेस के गवर्नमेंट जो गाय बगाए ये मिनिमम पेंशन बढ़ाती रहती है वो भी उस पर अगर अप्लाई कर दी जाए तो सिर्फ उसी सूरत में पड़ेगी, अदरवाइज ये रिड्यूस्ड पेंशन कंसिडर होती रहेगी। उसके बाद जो सेकंड बेनिफिट है वो है ओल्ड एज ग्रांट। ओल्ड एज ग्रांट जो है ये उस सूरत में मिलता है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो 15 इयर्स का पूरा नहीं हो सका लेकिन 2 साल से ज़्यादा है, और एम्प्लॉई जो है वो 60 साल को पहुंच गया तो उस वक्त जो है ईओबीआई जो डिपार्टमेंट उसने फिर इसका एक सोल्यूशन ये निकाला है कि जिस वेज पे कंट्रीब्यूशन पे किया जाता रहा है फॉर एग्जांपल आखिरी 12 माह की वेज को देखा जाएगा और उसकी एवरेज वेज निकाली जाएगी और अगेंस्ट ईच कंप्लीटेड ईयर एक वेज उसको दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल 5 साल किसी ने सर्विस की है और वो नॉर्मल पेंशन का एलिजिबल नहीं हो सका और उससे पहले ही वो 60 साल की उम्र को पहुंच गया
और उसने फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ 10,000 पे अपना कंट्रीब्यूशन पे करता रहा, तो उसको फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर के लिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 50,000 लमसम ग्रांट दे दी जाएगी। ये एक दफ़ा ही दी जाएगी और उसके बाद ईओबीआई के ऊपर उस इंश्योर्ड एम्प्लॉय रिटायर्ड एम्प्लॉय का कोई फर्दर क्लेम नहीं रहेगा और ये प्योरली इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। उसके बाद हम देखते हैं सर्वाइवर्स पेंशन। सर्वाइवर्स पेंशन के ऊपर तो काफ़ी मुझे कॉल्स और क्वेरीज सारे पे आती रही, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी थी तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को सिलेक्ट किया कि आज इसको मैं कवर कर ही लूँ। तो सर्वाइवर पेंशन जैसे नाम से वाजह है कि इंश्योर्ड पर्सन जो है उसकी डेथ की सूरत में उसके सर्वाइवर को पेंशन दे दी जाएगी। तो उसकी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। मिनिमम 36 मंथ यानी 3 साल सर्विस होनी चाहिए इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, और अगर वो एम्प्लॉई उस वक्त ऑन जॉब नहीं है तो फिर 5 साल उसकी पास अपनी इंश्योरेबल पेड एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए कि डेथ की वक़्त अगर वो कहीं जॉब पे नहीं था लेकिन वो 5 साल इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट कर चुका है, और अगर वो जॉब पे था जब डेथ हुई तो फिर 3 साल, तो उसकी जो पेंशन है वो उसकी स्पाउस को मिनिमम पेंशन उसकी फिक्स की जाएगी और वो एलिजिबल रहेगी फॉर लाइफ टाइम। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस किए गए हैं कि उस एम्प्लॉई की डेथ हुई तो विडो को पेंशन मिल गई। अब एम्प्लॉई की विडो जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को वो पेंशन उनके शेयर के मुताबिक ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओरिजिनल लॉ में तो ये लिखा है कि 18 साल तक लड़का हो चाहे लड़की हो उनको उनका शेयर मिलेगा। लड़की की सूरत में तो अगर 18 से पहले शादी हो जाती है तो शादी तक मिलेगा, लेकिन अभी जो कि 18 से कम पे शादी पे ही पाबंदी है तो लिहाजा ओरिजिनल लॉ में तो 18 साल हमें नज़र आती है। मैं यहाँ पे इसको मैं एक नोटिफिकेशन को यहाँ कोट करना चाह रहा हूँ और उसका मैं स्क्रीनशॉट भी ये ड्यूरिंग डिस्कशन ही इसमें ऐड कर दूंगा जब ये वीडियो जो है मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन है 26 जुलाई 2010। इसमें सर्वाइवर पेंशन के कुछ एडिशनल बेनिफिट भी बताए गए हैं और ये नोटिफिकेशन जो है ये गजट ऑफ पाकिस्तान में प्रिंट हुआ था 14 सितंबर 2010 में। तो ये स्टिल कहीं किसी कोर्ट ने इसको सेटिसाइड नहीं किया, ना ही किसी अमेंडमेंट में इसको रूल आउट किया गया, तो ये लीगली ये एग्जिस्ट करता है और इसकी कंप्लायंस के लिए अगर ईओबीआई कोऑपरेटिव ना हो तो ईओबीआई को कहा जा सकता है। इसमें जो मैं चीदा चीज़ें हैं बाकी मैं इसको डिस्प्ले वहाँ कर दूंगा आपकी स्क्रीन पे। इसमें ये बता दिया गया है कि एडिशनल पेंशन टू द फीमेल चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड इंश्योर्ड पर्सन ऑलरेडी इन रिसीट ऑफ पेंशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर टिल मैरिज। तो ये 2010 के नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी 18 ईयर की फीमेल चाइल्ड के ऊपर से कंडीशन ख़त्म हो चुकी है, उसको टिल मैरिज जो है पेंशन मिलेगी। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा कि विडो डॉटर को मिलेगी, तो लॉ उसके बारे में साइलेंट है तो इसलिए उस पर या बात करना या गेस करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मैं बिल्कुल एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू लॉ इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो उसमें अभी हमने देखा कि फीमेल चाइल्ड की सूरत में टिल मैरिज तक जो है 2010 के नोटिफिकेशन के मुताबिक कर दिया गया हुआ, और उसके बाद खुदा न खास्ता किसी एम्प्लॉई का कोई चाइल्ड डिसेबल्ड चाइल्ड था, एम्प्लॉई तो फोत हो गया इनवैलिडिटी में, फिर एम्प्लॉई अपनी डेथ हो गई उसकी, उसके बाद सर्वाइवर्स पेंशन आ गई, विडो फोत हो गई और अब डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो डिसेबल्ड चाइल्ड को जो है वो पेंशन दी जाएगी ऑलरेडी उसको आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 टिल डेथ। तो डिसेबल्ड एम्प्लॉई जो है डिसेबल्ड चाइल्ड जो है सर्वाइवर का
उसको टिल डेथ जो है पेंशन पे की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर ये दो मेन चीज़ें थी, इसलिए मैंने इस नोटिफिकेशन को कोड किया, और जिसको मैंने कहा कि मैं अपलोड भी इसी वीडियो के दौरान मैं कर दूंगा, आपकी स्क्रीन में व्यू हो जाएगा। तो ये थी सर्वाइवर पेंशन की कुछ शराइत और तरीकाकार। अच्छा, इसमें एक और मजीद था कि अगर किसी स्पाउस जिसको सर्वाइवर पेंशन मिली है उसकी डेथ की सूरत में उसका कोई चाइल्ड नहीं है तो तब क्या होगा, तो उस सूरत में ये बताया गया कि ये पेंशन जो है फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम डेथ ऑफ स्पाउस पे की जाएगी टू पेरेंट्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉई, यानी जो विडो फोत हो गई तो आगे उसके बच्चे कोई नहीं थे, तो जो एम्प्लॉई था उसके पेरेंट्स में जो जिंदा होगा तो उसको फॉर 5 ईयर्स ये पेंशन जो है सर्वाइवर पेंशन पे की जाएगी, और ये 5 ईयर काउंट होंगे फ्रॉम डेथ ऑफ स्पाउस। उसके बाद एक और सिनेरियो डिस्कस किया गया कि एम्प्लॉय की डेथ होती है और वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है जो मैंने प्रीवियसली बता दिया, एज का और मिनिमम सॉरी एज का नहीं, मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस का, कि 3 साल अगर ऑन जॉब ही डेथ हुई है, ऑन जॉब से मुराद उस वक्त कहीं ना कहीं एम्प्लॉय था, चाहे घर में हुई हो या बाहर हो कहीं, और 5 साल अगर वो अनएम्प्लॉयड था तो 5 साल ऑलरेडी वो सर्विस कर चुका हो। तो ये थोड़ा मैंने रिपीट कर दिया। तो अभी जो सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं हम वो ये है कि उसकी डेथ हुई एम्प्लॉय की, ना स्पाउस है ना चाइल्ड है, तो फिर इस सूरत में पेरेंट्स की को सर्वाइवर पेंशन मिलेगी फॉर 5 ईयर्स। तो ये हमारा जो पोर्शन था सर्वाइवर पेंशन का ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी मुझे एक और ऑलमोस्ट मैंने क्वेरी जितनी थी वो एड्रेस कर दी, एक और क्वेरी थी उस पर कोई सॉलिड आंसर नहीं मुझे मिल सका कि जो स्पाउस है विडो विडो की शादी की सूरत में और जब उसका डिसीज्ड हस्बैंड से चाइल्ड भी कोई ना हो तो उसकी शादी की सूरत में उसकी पेंशन की डिसकंटिन्यू की क्या सूरत हाल होगी, और क्या उसकी पेंशन डिसकंटिन्यू होकर फोर्थ शुदा एम्प्लॉई के पेरेंट्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो लॉ इसके ऊपर कोई मुझे वहाँ से गाइडेंस नहीं मिली, तो ईओबीआई ऑफिस जो है इसमें बेटर गाइड कर सकता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं जी, ये जो फोर्थ बेनिफिट है ये है इनवैलिडिटी पेंशन। इनवैलिडिटी पेंशन जो है इसका क्राइटेरिया है कि मिनिमम 15 ईयर सर्विस हो, और जब वो इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, बाहर है कहीं अनएम्प्लॉयड है, और उस वक्त उसको कोई डिसेबिलिटी या कुछ जो भी इनवैलिडिटी की रीज़न बनती है, काम करने के काबिल नहीं रहा, तो 15 साल उसके पास सर्विस है तो वो इसका इंटाइटल्ड है। और अगर वो जॉब पे है और वहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हुआ है, कोई डिजीज़ आई है, कोई ऐसी एक्सीडेंट है, डिसेबिलिटी हो गई है, तो 5 साल अगर उसने सर्विस की हुई है तो वहीं से ही उसकी इनवैलिडिटी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। और इनवैलिडिटी पेंशन जो है उस पे जो कंडीशन है वो यही है कि ये उतनी देर चलेगी जितनी देर इनवैलिडिटी चलती है। जब वो बंदा रिकवर कर जाएगा तो वो ऑन जॉब भी आ सकता है और दोबारा अपनी कंट्रीब्यूशन पे करके तो वो अपनी ओल्ड एज पेंशन 60 साल वाले के लिए तैयारी कर सकता है। और दूसरी सूरत में ये है कि वो इनवैलिडिटी पेंशन पे चला गया और इस दौरान ही उसकी रिटायरमेंट आ गई है, तो उसकी ये फिर इनवैलिडिटी पेंशन जो है ये फॉर लाइफ टाइम उसकी कंटिन्यू कर जाएगी। और ये आज के हमारे टॉपिक थे, बड़ा फोकस्ड मैंने रह के कुछ दाएँ बाएँ डाइवर्जन से अवॉइड किया है, और यूबीआई जो मेन 4 बेनिफिट्स देता है हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया है,
होपफुली यूजफुल होगी। अगर कोई क्वेरीज हो तो अगेन इनबॉक्स भी कर दीजिएगा, अगर कोई कमेंट करना चाहें कमेंट कर दें, तो फ्यूचर में उन क्वेरीज को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।